अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने धारदार हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां न्यायालय ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मामले की जानकारी देते हुए दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ढाई दिन का झोपड़ा के पास से अंदरकोट निवासी नसीरुद्दीन को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे लेकर भी जांच की जा रही है। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध हथियारों और इस तरह की जो संदिग्ध कार्यवाही करने वाले लोग हैं, अवैध गतिविधि वाले, उनको धरपकड़ के लिए अभियान के तहत कल निरीक्षक राजेश कुमार मीणा ने दौरान गश्त एक व्यक्ति नजीरुल्लाह नाम से जो है बदमाशी कर रहा था ढाई दिन का झोंपड़ा पर, जिसके पास चाकू था, जिसे 4/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। आज श्रीमान न्यायालय से जेल में पेश किया, जहाँ से उसको जेल न्यायालय जेल दाखिल कराने का आदेश किया। आरोपी का नाम क्या है और कहाँ का निवासी? नजीरुल्लाह है, जो कि कातन बावड़ी अंदरकोट इलाके में रहता है। क्या हथियार क्या मिला सर इसके? चाकू मिला है, एक बटनदार। इसके पूर्व में भी कई मुकदमे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वहाँ लोगों को धमका रहा था, इसलिए इसको मौके से पकड़ कर गिरफ्तार। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।